इया इया उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी आज है यकम नवम्बर साल है दो हजार इक्कीस आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी विकट गिर गई डी जी आई डीजी हाथ जैसे के आफ्टर शॉक आना शुरू आज की मुकम्मल खबरें क्या हैं इन खबरों की तफीलात क्या है, है तमाम खबरें डिस्कस करने से पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कॉमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान फौज जिंदाबाद गुमनाम हीरो जिंदाबाद और अगर आपको यह वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा साथ अगर नोटिफिकेशन बेल उठ ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें सबसे पहले खबर यह है कि जराज इमरान हंस की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आज शाम चार बजे आ, ये इजलास चार बजे होगा इस इजलास में मुल्की सुर्थिहाल और जो टी एल पी का धरना है उसमें जो माह हुआ है उस माहे में जितने भी जरा इमरान साहब की काबीना है वफाकी काबीना उनको इमरान साहब ने इतमाद में लेने का फैसला किया है अगली खबर यह है कि रावलपिंडी में बंद रस्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं मेट्रो सर्विसेज भी जो हैं वो बहाल होना शुरू हो पड़ी हैं अगली खबर से आपको आगाह करते हैं और अगली खबर यह है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली का प्रेशर हैंडल ना करने का एतराब एक मैच हुआ जिसमें भारत को इबरत राक्षिक और भारत ने और जो विराट कोहली हैं उन्होंने तौर पर उन्होंने कहा है कि हम जो प्रेशर था वो हैंडल नहीं कर पाए आज सुबह आज सुबह सुबह जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका अहवाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ बाद में आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा आ, जो बंदा है उसने मुस्लिम लीग नून छोड़ी है वो तमाम चीजें आगे चलकर डिस्कस करता हूँ आज सुबह सुबह शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने अपने दौर में काफी ज्यादा काम करवाए हमने तयब उर्दवान अस्पताल बनाया उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब जो है वो पंजाब का एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है और इकतीस फीसद आबादी जो है पंजाब की वो जुनूबी पंजाब में रहती है हमने जुनूबी पंजाब में अस्पताल दिए हमने सड़कें बनाई मेट्रोस बनाई हमने यहाँ पर कार्डिक अस्पताल बनाए हमने, का हमने दुनिया के बेहतरीन अस्पताल बनाए उन्होंने कहा कि अगर हमारी मजीद रह जाती तो पानी का जो साफ पानी है पीने का जो साफ पानी है वो हम मजीद करोड़ों लोगों को मुहैया करने में कामयाब हो जाते लेकिन अब हमारी हुमत नहीं है तो लिहाजा शबाज शरीफ ने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता लेकिन जो इन्होंने अस्पतालों का जिक्र किया और जो अस्पतालों का इन्होंने जिक्र छेड़ा देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अस्पताल इतने ही अच्छे हैं शहबाज शरीफ साहब तो आप अपना इलाज या नवाज शरीफ अपना इलाज मरिया नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना इलाज वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाती पहला बात पहली बात तो ये है गांधी जी खान का जो जलसा था उस वहां पर शबाज शरीफ के साथ क्या हुआ कल देखे एक इंपॉर्टेंट मैच था पूरी जो कौम है वो क्रिकेट की दीवानी है सारे जो बंदे हैं वो क्रिकेट मैच देखने के ऊपर लगे हुए थे और दुआएं कर रहे थे इवन के न्यूजीलैंड ने हमसे बुरा किया लेकिन फिर भी लोग न्यूजीलैंड की हक में दवाई कर रहे थे और दवाई कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाए अच्छा न्यूजीलैंड ने वो मैच जीत लिया जब इनका जलसा हुआ और उसी टाइम मैच जारी था लोगों का जलसे के ऊपर ध्यान ही नहीं था मैंने इसी वजह से कल वीडियो ही नहीं बनाई अच्छा जलसे के दरमियान क्या हुआ कि जो शहबाज शरीफ है वह कहते हैं कि मौलाना फजलमान की सरबराही में हम निकलेंगे इमरान साहब के हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे और इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो पूरी नहीं होने देंगे ख्वाजा शाह रफीक का भी यही कहना है वो कहते हैं कि इमरान साहब के दिन गिने जा चुके हैं अब इनकी हुकूमत जो है वो इतना अर्सा नहीं रहेगी इमरान साहब की जो आईनी मुदत है जरा इमरान साहब की वो इमरान साहब पूरी नहीं कर पाएंगे पांच साल इमरान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी यहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा ने एक नया शोशा भी छोड़ा है मरियम औरंगजेब ने क्या नया शोशा छोड़ा है और मरिया नवाज ने भी एक नया शोशा छोड़ा है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शामिल कर लेना चाहता हूँ देखें मरिया नवाज ने कहा है कि आपको मैं बता नहीं सकती कि किस तरह कमरों में आकर ये हुकूमत जो है वो हमसे हमारी मिनतें तले कर रही है और कह रही है कि हमारी हुकूमत को टाइम पूरा करने दे और मुझे ऑफर कर रही है मुझे डील की ऑफर कर रही है और कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर लें हमारी को रहने दे लेकिन वो कहती हैं मैं अब इनकी हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी मैं आर करूंगी या पार करूंगी जो मरीजी साहब हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब अगर आज इस्तीफा दे दें इमरान खान साहब आज इस मुल्क का पीछा छोड़ दें तो हम फैटे में ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा जबकि मुतरमा को मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम औरंगजेब साहब फैटव, फैटव का इजलास होता है जो वहां पर लोग होते हैं वो जब भी जिस मुल्क को ग्रे लिस्ट में या वाइट लिस्ट में डालना हो तो वो या ब्लैक लिस्ट में डालना हो तो वो जो सबसे बड़ी चीज देखते हैं वो होती है उस मुल्क की एक तो मनी लॉन्ड्रिंग दूसरी वहां पर दहशत गर्दी अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर दहशत है मनी तो मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग फील्ड के महिलात हैं वो किस पैसे से बने हैं चौधरी शुगर मिल्स आशियान हाउसिंग स्कीम्स इसके अलावा रमजान शुगर मिल्स उसकी आप कोई रसीदे दे नहीं सके हैं तो आप फैटअप से किस तरह ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को वाइल्ड लिस्ट में निकलवाती ये समय से बालातर है यहाँ एक और खबर भी आपके साथ शामिल करते हैं और वो खबर यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफर जो हैं वो कहते हैं कि जब से मैंने मरियानवास से शादी की है तो ये मुझे व्रजम ही लगती हैं और मैं देख रहा हूं कि ये आइंदा आने वाला जो टाइम है इसमें वह व्रजम बनेंगी अगली खबर से आपको आगाह करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी के वो कौन सी खिलाफ नारे के कहने पर कारकुन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं नाम बताता हूँ जरा वेट कीजिएगा मुल्की अदारों पर तनकीद करने वाले मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के सिटीज नायब सदर ने

मैंने जलसे में तकरीर करते हुए जो कुछ कहा इसमें एक भी मेरा के को किया है उन्होंने इशाफ किया कि के कहने पर जब मैंने दारू पर तनकीद कर डाली तो पार्टी सदर शरीफ ने मेरे बयान से लाने ला तलकी कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने मुझे, मुझे मुस्लिम लीग नून का कारकुन मानने से इनकार कर दिया अब्दुल मजिद मास ने यह कहा कि मैं पार्टी का नायब सदर था फिर मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया आज मैं पार्टी सलादगी का ऐलान करता हूँ अपील करता हूँ पर, पर तनकीद करने से बचें और मोहतात तो चलें। अच्छा यहाँ पर एक नुकता मेरे को ये भी देखने को मिलता है कि शहबाज शरीफ ने ये जो अब्दुल माजद ने अदारों के ऊपर तनकीद की तो उससे उसने शहबाज शरीफ ने उनको अः मुस्लिम लीग ने उनका नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया इजहार तल, की कर दिया यहाँ से वही बात जो अक्सर बात में करता होता हूँ जो अक्सर बात दूसरे मीडिया वाले करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो मुफहमत की सियासत की तरफ बढ़ना चाहते हैं शहबाज शरीफ हमेशा मुफहमद सियासत के अमर रहे हैं जबकि मरियम नवाज कैप्टन सदर जो है वो मुजैम की सियासत के ऊपर लगे हुए हैं आज उनके अपने बंदे साथ छोड़ कर जा रहे हैं इवन के कल का जो जलसा था तो डी जी आई का जो जलसा डी जी खान का जो जलसा था तो उसमें इस दफा जो शबाश की थे उनकी बारी थी अला जो जलसा होगा लगता है उसमें मरियनवाज खिताब करेंगी खैर अभी तक तकलीफ रहे लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ इन तमाम जो सिचुएशन है इस तमाम सिचुएशन में जो करंट सिचुएशन है इसमें पीपल्स पार्टी गायब है पीपल्स पार्टी कहाँ पर गायब है वो इन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और बताऊंगा कि क्या चाह रहा है और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है नेक्स्ट वीडियो तक लिए जात अगर अभी तक लिए खबरें अभी तक की ये खबरें पसंद नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल कीजिएगा अला हाफिज पाकिस्तान पाकिस्तान फौजाबाद